हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी की टंकी का फिटिंग कैसे होता है, और दो टंकी अगर हो, एक ऊपर लेवल पे हो और एक नीचे लेवल पे, और दोनों टंकी का पानी यूज़ करना है, और आपको नीचे वाली का पहले करना है या ऊपर वाली का, दो में से जो भी एक टंकी का पानी आपको पहले इस्तेमाल करना है तो आप कर पाएंगे। दूसरी बात रही है, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल की घंटी दबाओ, और लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूर ही करो दोस्तों। और दूसरी एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा कंस्ट्रक्शन में हमारा 24 साल का भरपूर एक्सपीरियंस है। हम कंस्ट्रक्शन में मास्टर है, हमारी मास्टर बिल्डिंग बनाने में, मकान बनाने में, और मकान से लगते, बिल्डिंग से लगते, कंस्ट्रक्शन के लगते सभी कामों में हमारी मास्टरी है। ना कि हमारी मास्टरी वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग में है। हमें वीडियो एडिटिंग और वीडियो शूटिंग और थंबनेल बनाना ये कुछ हमें नहीं आता, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, नॉन एजुकेटेड मैन हैं हम लोग। फिर भी हमारी मास्टरी इन में प्रैक्टिकल इतनी होती है कि मकान बनाने में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हमारा इतना प्रैक्टिकल तजुर्बा है। तो हमारी वीडियो की क्लियरिटी अगर अच्छी ना हो, हमारा वीडियो शूटिंग अच्छा ना हो, शूटिंग करने की स्टाइल अच्छी ना हो, तो माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि हमारा ये बिजनेस नहीं है। हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो इसके बारे में हमारा मास्टरी है, इसमें कंस्ट्रक्शन में हमारी मास्टरी है, इसमें हम 24 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे बाप दादा का ये बिजनेस रहा है, तो ये हमारे ब्लड में रहा है। तो आइए दोस्तों शुरू कर दें। पहले मैं आपको कच्चा मैप दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से एक ऊपर टंकी हो, उसकी लाइन उतार के ये नीचे वाली दूसरी टंकी हो, दो टंकी, और इस तरह से कुछ छोटी टंकी भी हो सकती है, और दोनों का लेवल फर्क होता है, ये ऊपर या नीचे। ऊपर वाले में पानी भरेगा तो ये टंकी में से पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से यूँ बाहर निकल जाएगा। तो आप एक साथ दो टंकी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो मैं ये बताता हूँ कि दो क्या आपको 10 भी इस्तेमाल करनी है तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो पहले तो ये पानी की एक टंकी है, इसको मैंने यूँ ढांक लिया है। ये बड़ी टंकी है पानी की, और ये टंकी में से ये कनेक्शन है, बराबर है, ये पानी का कॉक रखा गया है, और ये टंकी का ऊपर का आउटलेट रखा गया है। एक ये टंकी है जिसका लेवल थोड़ा अप है, ये अप लेवल की पानी की टंकी है, और दूसरी ये टंकी है जो पानी के उससे लेवल में नीचे है। तो इसका पानी अगर मैं भरूंगा तो इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ से जो लाइन आई उसके बीच में मैंने एक कॉक यहाँ लगा रखा है। अब जब तक एक कॉक खुला रहेगा तब तक सिर्फ इसी टंकी का पानी जाएगा, ऊपर वाली का, नीचे वाली का नहीं जाएगा। कैसे? उसकी एक रीज़न है कि हमने यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये ब्रास का नॉन रिटर्न वाल बोलते हैं, इसमें एक एरा होता है, वन वे होता है। जब मैं ये कॉक खोलूँगा ऊपर वाला तो ये यहाँ से बंद हो जाता है। दोनों कॉक खुले होने की वजह से, और इस तरह से ये मैंने दो फिट किए हैं, तो ये दोनों में पानी बराबर लेवल में भरता है, और ये कॉक की मदद से हम ऊपर वाली टंकी का पानी इसमें से नहीं जाएगा। जब तक एक कॉक खुला रहेगा ऊपर वाली पानी का ही टंकी का पानी मैं नीचे इस्तेमाल कर सका हूँ। अगर इस कॉक को मैंने उल्टा बिठाया होता तो इसका उल्टा काम हो जाता। इसमें एक एरो होता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप एरो देख सकते हो, तो ये जो एरो बना है इसी हिसाब से ये कॉक काम करता है। ये बाजार में हर साइज में मिलता है, इसको नॉन रिटर्न वाल बोलते हैं। ये वाल किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में मैं भी आपको कुछ बता दूंगा। तो ये कॉक जो नॉन रिटर्न वाल है, इसकी मदद से दो टंकी को फिट किया जा सकता है, और हर टंकी में एक आउटलेट रखा जाए जिसमें एयर का पानी हो और बाहर निकलने का आउटलेट भी हो। इस प्रकार से दो तीन जितनी भी फिट करनी है आप कर सकते हो, और ये वाल लगाना बहुत जरूरी है, इसको नॉन रिटर्न वाल बोलते हैं। नॉन रिटर्न वाल होता क्या है और काम क्या करता है? ये ब्रास का एक वाल होता है, इसके बीच में ब्रास का एक बाल है, तो इसके बीच में यूँ क्रॉस में एक पर्दा रहता है। तो जब पानी का हल्का दबाव होता है इस तरफ से,
तो ये वाल्व बंद हो जाता है, और इस तरफ से जब दबाव होता है तो ये वाल्व ऊपर की तरफ खुल जाता है। इसमें एक पित्तल का पर्दा रहता है अपने एक रुपये का सिक्के जितना, जैसा एक रुपये का सिक्का आता है अपना, दो रुपये का सिक्का, ऐसा ये एक पर्दा है पित्तल का, ये ब्रास के कॉक में। तो पर्दा एकदम हल्का दबाव इस तरफ से पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा, और इस तरफ से पड़ेगा तो ये यूँ ऊपर की ओर खुल जाता है यूँ, और इस तरफ से आने से ये बंद होता है। तो ये यूँ बंद चालू बड़ी आसानी से होता है, और एकदम सक्सेस है। इसकी मदद से ही ये टैंकी में दो टैंकी का लेवल अप और डाउन हो तो पानी भर सकते हैं। तो जो ब्रास का कॉक है वो लगाना बहुत ज़रूरी है।